ये बात बाइसे ताज्जुब है कि हवाई जहाज बनाने में राइट ब्रादरान किस तौर पर कामयाब हुए, जबकि इसी शोबे में मुतद्दिद दिगर लोग नाकाम हो चुके थे। उनकी कामयाबी की मुतद्दिद वजूहात थी। पहली बात तो ये थी कि एक से बेहतर दो होते हैं। उन्होंने हमेशा इकट्ठे काम किया और मुकम्मल मुवाफकत के साथ एक दूसरे से जुड़े रहे। दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया कि वो अपने तौर पर कोई हवाई जहाज तैयार करने से पहले खुद उड़ाना सीखेंगे। ये बात कतरे बहम मुतनाकस मालूम होती है कि हवाई जहाज के बगैर उड़ना किस तौर पर सीखा जा सकता है। इसका जवाब ये है कि राइट ब्रादरान ने पहले ग्लेडिएटर उड़ाना सीखा। उन्होंने 1899 में ग्लेडिएटरों और पतंगों से आगाज किया। अगले वर्ष वो एक बड़े हुजम का ग्लेडिएटर जो एक आदमी का वजन सहार सकता हो, शुमाली कैलोनिया में केटी हॉक में लाए और उसकी आजमाइश की। ये काबिले इत्मीनान नहीं था। उन्होंने 1901 में दूसरा बड़ा ग्लेडिएटर तैयार करके उड़ाया। 1902 में तीसरा उड़ाया। ये तीसरा ग्लेडिएटर उनकी चंद एक इंतहाई अहम इजादात में से था। तीसरे ग्लेडिएटर में उन्होंने हजारों से ज्यादा कामयाब परवाजें की। अपना ताकतवर हवाई जहाज तैयार करने से पहले वो दुनिया के बेहतरीन और इंतहाई कोहना मश्क हवाबाज बन चुके थे। ग्लेडिएटर्स की परवाजों में उनकी कोहना मश्की ने उन्हें कामयाबी के लिए बुनियाद मुहैया की। इससे कबल जिन लोगों ने हवाई जहाज बनाने की कोशिश की, वो इस मामले पर परेशान हो जाते थे कि किस तरह के पहियों को जमीन से बुलंद करके फजा में परवाज करें। राइट ब्रादरान ने दुरुस्त तौर पर यह दराक किया कि असल मसलहा तो ये है कि इसको किस तरह फिजा में बुलंद रखा जाए। सो उन्होंने अपना बेशतर वक्त ऐसे तरीका दरियाफ्त करने में सर्व किया जहाज को हवा में मुतवाजन और मुस्तहकम रखा जा सके। वो अपने जहाज को तीन महवरों वाले निजाम से काबू में रखने का तरीका इजाद करने में कामयाब हुए। राइट ब्रादरान ने परवाजों में मुतद्दिद इजाफे किए। उन्होंने जल्दी ही दराक किया कि माजी में इस मौजू पर छपे गोशवारे गैर मुतबर थे। उन्होंने अपना अलग हवा का खाना बनाया और उसमें उन्होंने 200 से जायद परों की मुख्तलिफ साख्ते बनवाई। उन तजर्बात की बुनियाद पर वो अपने गोशवारे तरतीब देने में कामयाब हो गए, जिससे ये अमर मरतशी होता है कि किस तौर पर के ऊपर हवा के दबाव का इन्हिसार पर की साख्त पर होता है। इन मालूमात से वो अपने हवाई जहाज के परों की साख्त मुतय्यन करने में कामयाब हुए। इन तमाम कामयाबियों के बावसफ राइट ब्रादरान अगर तारीख में दुरुस्त लम्हे में जाहिर ना होते तो कभी मुकम्मल कामयाबी हासिल ना कर पाते। 19वीं सदी के इब्तदाई निस्व में हवाई जहाज उड़ाने की काविशें नागुज़ीर तौर पर नाकामी से दो चार हो रही थी। भाप के इंजन इस तवानाई के नस्बत बहुत वजनी थी जो उनसे पैदा होती थी। यही दौर था जब राइट ब्रादरान मंजर आम पर आए। दाखली अफरूतगी से चलने वाले मुतद्दिद इंजन तक तैयार हो चुके थे। ताहम दाखली अफरूतगी से चलने वाले इंजन जो आम इस्तेमाल में थे, उनसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए दरकार तवानाई पैदा करते हुए वजन बे इंतहा ज्यादा हो जाता था। यूं लगता था कि तवानाई के नस्बत कम वजन के इंजन तैयार करना किसी के बस में नहीं था। राइट ब्रादरान ने एक मिस्त्री की मदद से खुद एक इंजन तैयार किया। ये उनकी फतानत की एक मिसाल थी। अगरचे उन्होंने इंजन का ढांचा तैयार करने में नस्बतन कम तवज्जो सर्फ की, मगर वो ऐसा आला इंजन तैयार करने पर कादिर थे जो उस दौर के आला असान के बस में नहीं था। उन्होंने जहाज के पंखे भी खुद ही बनवाए। पहली उड़ान का वाकया
शुमाली कैरोलिना में केटी हॉक के करीब ड्योल हल के मकाम पर 17 दिसंबर 1903 में रोनमा हुआ। उस रोज दोनों भाइयों ने दो परवाजें की और विले राइट ने पहली परवाज की जो 12 सेकंड जारी रही और 120 फुट का फासला तय हुआ। आखिरी परवाज लेबराइट ने की जो 59 सेकंड जारी रही और 852 फीट का फासला तय हुआ। उनका जहाज जिसका नाम उन्होंने फ्लायर वन रखा था और जिसे आज हम केटी हॉक के नाम से जानते हैं, 1000 से भी कम डॉलर्स में तैयार हुआ था। उसके ऊपर 40 फुट लंबे और करीब 750 पाउंड वजनी थे। उसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन लगाया था जिसका वजन 170 पाउंड था। यह जहाज वॉशिंगटन डीसी में नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में आज भी महफूज है।